गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी के लिए क्लियर है? आवाज क्लियर है आप सभी के लिए? बता दो जरा। ओके, चलिए ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हमने जो है वो उपसर्ग टॉपिक जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताएंगे कि जो उपसर्ग है वो कहाँ पर जुड़ता है, शुरू में जुड़ेगा कि लास्ट में जुड़ेगा? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। शुरू में जुड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरू में जुड़ता है आपका उपसर्ग। मैक्सिमम हमारे पास जो है ये टॉपिक हो चुका है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों से उसके बारे में पूछूंगी, फिर आप लोग जो है मतलब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम पे पूछा था, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है सब इंस्पेक्टर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, बताएंगे? शाबाश। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है सब इंस्पेक्टर, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सब लगा हुआ है। वेरी गुड हरिप्रिया, यहां पर है सब लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं वाइस राय, देन कौन सा होगा? वाइस राय में कौन सा उपसर्ग होगा? वेरी गुड, सभी ने आंसर करना है फटाफट से। वाइस राय में कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, फटाफट से बताते चलना है। नेक्स्ट है चीफ इंजीनियर, इसमें कौन सा उपसर्ग है? वाइस राय का आंसर करेंगे सबसे पहले और उसके बाद चीफ इंजीनियर का बताएंगे। ठीक है, वाइस राय में यहां पर भी लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को ऊपर विजिबल नहीं है। ठीक है, तो वाइस राय का जैसे यहाँ था, इसका आप लोगों ने आंसर दिया सब, इसमें उपसर्ग होगा। वाइस राय का यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा गाइस, वाइस उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, चीफ इंजीनियर में क्या उपसर्ग आ जाएगा? चीफ आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है, आप एक अलग से शब्द को साइड में रखते हैं और जो शुरू वाला शब्द है उसको क्या बना देते हैं? उपसर्ग बना देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक लास्ट टाइप हमारे पास रह गया था, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी इसमें। ये तो था अंग्रेजी के उपसर्ग तक हमने बात की थी। ठीक है, पहले हमने संस्कृत के उपसर्गों की बात की, फिर हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़े। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो उर्दू के उपसर्ग भी दो तीन देखे थे, और उसके अलावा इंग्लिश के उपसर्ग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो थे इंग्लिश। अब जैसे कि मैंने कहा, हम क्या करेंगे, संस्कृत के अव्यय जो थे उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं। संस्कृत के अव्यय, अव्यय आप लोगों को पता है इनका मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, संस्कृत के अव्यय का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संस्कृत के अव्यय कहते हैं। यही चीज हमने डिस्कस की थी कल भी। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो इसमें चीज आ जाती है आपके पास, अपने अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है अधोगति, आपके पास क्वेश्चन है अधःपतन, तो आपके अनुसार कौन सा उपसर्ग होना चाहिए, बताइए? शाबाश, आपके अनुसार कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? अधोपतन, अधोगति और अधोपतन में अधो कह रहे हैं कि अधो उपसर्ग होगा। देखिए, यहां पर मैंने आपको क्या बोला, संस्कृत के अव्यय हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, इसमें आपके पास जैसे हैं वैसे के वैसे आएंगे साथ में। जैसे अधोगति, पहले हम ऐसा करते हैं, अधोगति में आप मुझे ये बता दो इसमें संधि कौन सी है। जब आप इसकी संधि कर पाओ, देखिए ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला टाइप हमने किया था उपसर्ग में वो था हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग थे। ठीक है,
उनमें हमने क्या किया, कोई जो विसर्गे निकल रहे थे जहां पर, वहां हमने विसर्ग नहीं लगाई। लेकिन ये क्या है, संस्कृत के अव्यय हैं, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एक्चुअल में जैसे संधि विच्छेद के लिए आपके पास उपसर्ग बनता है ना शुरू वाला, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। लाइक मैं बताऊं, अधोगति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या निकलता है, अधः प्लस गति, ये जो है ये इसका क्या है, उपसर्ग है, तो अधोगति का क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधपतन। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो अध लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए सभी फटाफट से, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों मैंने यहां पर ये चीज लिखी है, अधोगति और अधपतन, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंतःकरण अंतःपुर, यहां पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अंतःकरण और अंतःपुर, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बताइए। शाबाश, अंतः उपसर्ग हो जाएगा, रितिका कह रही है बिल्कुल ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अंतः उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूं, यानी कि अंतर्मन, ये संस्कृत के अव्यय की तरह हमारे पास यूज हो रहे हैं, तो ये भी अंत आएगा, इसमें भी अंत होगा, और इसका क्या आंसर होगा बता दीजिए, अंतर्मन का क्या आंसर होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग है बताइए। अंतर्मन है तो विसर्ग संधि ना, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करते थे, अंत लिखते थे, वेरी गुड, अंत यहां पर क्या बन जाएगा, अंत ही उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, जो संस्कृत में हम बात कर रहे हैं, एक आपका अध जो अव्यय है, एक अध होता है और एक हमने अंत देखा अभी तक, इसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स देखे। बात समझ आ गई, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अशोक अकाल अनीति, अशोक अकाल और अनीति, चलिए बताइए यहां पर कौन सा उपसर्ग आएगा, तीनों का आपने बताना है अलग अलग, बताइए अशोक में कौन सा होगा, अकाल में कौन सा उपसर्ग होगा, अनीति में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रैक्टिस चलिए ये एक तरीके से आपकी, इस टॉपिक के बाद हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के साथ बनते हैं, ठीक है, तो बताइए अशोक में कौन सा उपसर्ग होगा। सार्थक शब्दों को अलग करना होता है और उसके अलावा जो है उनको लिखना होता है। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत में यूज होते हैं, बाकी जगह पे हिंदी में यूज होते हैं, संस्कृत के अव्यय में भी यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज अच्छा मैंने आप लोगों को मीनिंग बताना था, जो अधा है, अधा का मीनिंग होता है नीचे, और जो अंत है इसका मतलब होता है भीतरी या भीतर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, अंत भीतरी और अधा नीचे। अशोक अनीति अकाल, इसकी हम बात कर रहे थे, तो शोक सार्थक शब्द है, नीति सार्थक शब्द है, काल सार्थक शब्द है, हर जगह पर क्या बच जा रहा है आपके पास, अ और अ बच जा रहा है। ठीक है, तो अ का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है अभाव या फिर कमी। ठीक है, अनीति, नीति का अभाव है, जहां पर नीति नहीं है, है ना, अशोक जहां शोक नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, अभाव है, कमी है। ठीक है, बात समझ आ गई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चीरकाल, चिरंजीवी एंड चिरायु, बताइए। शाबाश, यहां पर मैं बता देती हूँ कौन कौन से हम कर रहे हैं, यहाँ इसका अर्थ हुआ अभाव, बताइए चीरकाल है, चिरंजीवी है, चिरायु है, इनमें आपके पास कौन सा उपसर्ग लगेगा, चिर उपसर्ग लगेगा, वेरी गुड, कौन सा उपसर्ग लगेगा, चिर उपसर्ग लगेगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चिरकाल में चिर उपसर्ग लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर चिरा जो है वो पूरा है, ठीक है,
जो र है वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा। अगर आधा होता तो हम हलंत करते, ये चीज भी मैटर करती है। ठीक है, तो चीर आगे, जीव, चीर के बाद काल सार्थक शब्द है, चीर बच गया। यहाँ पर जीवी सार्थक शब्द है और यहाँ पर चीर बच जाएगा। ठीक है, चिरायु में आयु के बाद पहले क्या है, चीर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए कि चीर का क्या अर्थ होता है। कई बार अगर आप लोग चीर को अलग कर रहे हो तो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए, क्या है बताइए। बोलते ना, चीर काल तक मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा या करती रही, तो चीर का अर्थ होता है बहुत देर। ठीक है, चीर का अर्थ होता है बहुत देर, वो हो जाएगा चीर का अर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगेन आपके पास। पुनर्जन्म में या पुनर्जीवन में, पुनर्जन्म और पुनर्जीवन, ध्यान रखेंगे कौन सी चीज कैसे लिखी जाती है। ठीक है, पुनर्जन्म और पुनर्जीवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बताइए। पुनः उपसर्ग कह रहे हैं। देखिए, यहां पर आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि अगर आप इसको पूरा पूरा लिखा जाए, पहले तो लिखने की दृष्टि से देखते हैं, तो पुनर्जन्म ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखना पड़ना था। पुनर्जीवन में भी सेम यही बात है, पुनर्जीवन लिखना पड़ना था, है ना। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही है, पुनर, ये ऑप्शन नहीं आ रही है ना, तब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग आंसर कर रहे हो, पुनः लिख सकते हो तीनों के लिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन आ रही है तो आपको पुनर आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब हम अलग कर रहे हैं तो पुनरअर्थ निकलता है। बात समझ आ रही है, क्या अर्थ निकल रहा है, पुनर उपसर्ग निकल रहा है। ये संस्कृत के अव्यय की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, इस र का आप जो है वो विसर्ग बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेम ऐसे ही है, बहिर्गमन है। बहिर्गमन में अगेन बहिर ऐसे साउंड आ रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो भी क्या आ जा रहा है, बहिर आ जा रहा है। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, बहिर्गमन में बहिर ही उपसर्ग आएगा या कुछ और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सज्जन है, पुरातत्व है। बताइए फटाफट से, एक से दो इसके एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। बताइए, आपके सामने है सज्जन, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, सज्जन में कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट से। इसका आपको पता ही है, पुनर का अर्थ क्या होता है, पुनर का अर्थ होता है फिर, और उसके अलावा मैंने क्या लिखवाया था आपको, पुनर के अलावा बहिर बताया था, तो बहिर का अर्थ आप करेंगे बाहर। आपको पता ही है बहिर मीन्स बाहर, बहिर्गमन बाहर जाना, बाहर गमन करना। ठीक है, सत होगा, बिल्कुल सही, सज्जन में सत हो जाएगा। और आपको पता ही है कि सज्जन है यानी कि सत, तो सत का अर्थ क्या होता है, सच्चा। सज्जन मनुष्य क्या होता है, जो सच्चा होता है, तो सत मीन्स सच्चा। पूरा तत्व, तत्व को अलग कर दिया, पूरा क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर उपसर्ग बन गया। यही था ना आप लोगों के आंसर्स। ठीक है, तो पूरा तत्व में पूरा का अर्थ क्या होगा, जब हम इसको अलग लिखते हैं तो पूरा का अर्थ होता है पुरातन, यानी कि पुराना, अधोपतन और पुरातन, इस तरीके से इसके विलोम बनते हैं, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, हो गया। दो एग्जाम्पल है इसके और, जैसे समदर्शी और सहकार, ये आप लोगों ने बताने, समदर्शी और सहकार, इनमें कौन कौन से उपसर्ग है। यहाँ देखिए, दर्शी को अलग कर दिया, सार्थक शब्द है, शुरू में क्या बच गया, सम। सहकार में कार को अलग कर दिया, क्या बच गया, सह बच गया। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, समान, देखने वाला। सहकार क्या होता है, सह मीन्स साथ। ठीक है, बात समझ आ गई। तो गाइस, ये थे आपके उपसर्ग का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो पांच प्रकार से इस चीज को देखा। ठीक है, लग गया पता। बोलिए अगर किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे अव्यय के टॉपिक में, फटाफट से बता दो, कोई भी डाउट है अगर, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लूंगी, नहीं तो अगर नहीं बोला आप लोगों ने अपने अपने डाउट्स। वैसे इजी है, नो डाउट कि यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए, बट फिर भी अच्छा। आप लोग आंसर करेंगे मुझे, प्रत्येक में
प्रत्येक में क्या बोलते, कौन सा उपसर्ग होगा? प्रत्येक को क्या बोलेंगे, किसमें कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। शाबाश, क्वेश्चन लिख देती हूं मैं। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा, सॉरी फटाफट से बता दो, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति होगा, बिल्कुल बिल्कुल, प्रति वालों का आंसर बिल्कुल सही है, प्रति हो जाएगा यहां पर। ओके ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो था उपसर्ग, अब हम करेंगे प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, आपको जैसे उपसर्ग का पता था, उपसर्ग कहाँ पर यूज होते हैं, किसी भी शब्दांश के पहले आकर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जो प्रत्यय है वो क्या होते हैं, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। लिख सकते हैं हम इसको, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, विशेषता भी इसको चेंज लाते हैं, ऐसा हमने कहा। यही चीज अगर हम उपसर्ग के टाइम पे कर देते तो हमें लिखना पड़ना था, जो शब्दांश के आदि या शुरू में जुड़कर जो है विशेषता लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आपको पता चल गया, ये मेन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रति। और इसका अर्थ अगर हम अलग अलग करके देखें प्रत्यय का, तो क्या बन जाता है, प्रति जमा अय, ये हो जाता है प्रत्यय। ठीक है, अभी हमने सारी चीजें पढ़ी, प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय में प्रति का अर्थ क्या होता है, अय का अर्थ क्या होता है, बता दो। प्रति प्लस अय हमने देखा यहाँ पे, तो प्रति के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, तो प्रति का अर्थ क्या होता है? शाबाश, प्रति का अर्थ क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा, जब मैंने प्रत्येक आप लोगों को दिया, प्रत्येक का मतलब होता है सामने, या फिर क्या बोलेंगे, हर एक के बाद, मतलब सामने, साथ में, पर बाद में, ऐसे बोल सकते हो आप। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद, यूज तो होगा साथ में लेकिन बाद में यूज होगा, जैसे हम किसी भी लास्ट शब्द में देखेंगे इसे। ठीक है, अब आप लोग बताइए अय का अर्थ क्या होता है, प्रति मैंने आप लोगों को बता दिया, अय का अर्थ क्या होता है, अब आपको पता है सारा मीनिंग तो यही बता रहे, साथ में पर बाद में, लेकिन क्या, अय मीन्स चलने वाला, साथ में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला, वो क्या होता है आपका, प्रत्यय होता है। ठीक है, समझ आ गई, साथ में पर बाद में चलने वाला वो आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, अब प्रत्यय के बारे में हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रत्यय है वो हमारे पास कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, तो प्रत्यय के जो प्रकार है, प्रत्यय जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक हमारे पास हो जाएगा कृत प्रत्यय और दूसरा हो जाएगा तजित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय में कृत मीन्स करना, यानी कि क्रिया से रिलेटेड होगा, कृत में क्रिया से रिलेटेड होगा, और तजित में जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से रिलेटेड होंगे यहाँ पे शब्द। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कृत प्रत्यय में क्रिया शब्दों में हमारे पास जो है क्रिया के लास्ट में जो शब्द जुड़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। ठीक है, एग्जैक्ट हम अगर इसको कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय, वे शब्द जो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन आगे ऐसे ही लिखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम व विशेष विशेषण, सॉरी विशेषण, फिर ऐसे ही लिखेंगे के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के मूल रूप में जोड़े जाते हैं या कह
संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़े जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, के रूप में जोड़े जाते हैं, के साथ में जोड़े जाते हैं या के रूप में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं तदित प्रत्यय। वे शब्द जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लग गया पता। अब इसमें एक चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको एक शब्द है लेखक, आपको इसका क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। ठीक है, उपसर्ग नहीं, सॉरी, प्रत्यय बताना है आपको। यहाँ पे प्रत्यय पूछ रही हूं मैं कि लेखक का प्रत्यय क्या होगा। ठीक, तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? लेखक में क्या बन जाएगा आपके पास? लेखक में हमने क्या कहा, क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, यानी कि धातु में जोड़े जाएगा आपके पास। तो कौन सी धातु है यहाँ पे? लेखक का काम क्या होता है? लिखना है ना, तो धातु कौन सी बनेगी? लेखक किस धातु से मिलकर बनेगा ये बताना है आपको। बताओ जरा, मूल रूप कौन सा है यहाँ पर, यानी कि धातु कौन सी है? पहले आप धातु बताओ। लेख कह रहे हैं, लेख कोई धातु नहीं होती है, लिख धातु होती है ना, लिख धातु होती है। लेखक का काम होता है लिखना, है ना, तो वो क्या है? लिख धातु है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद ये तो हमने धातु को अलग कर दिया, लिख हमारे पास धातु बन गई। अब क्या बच गया? मैक्सिमम शब्दों में आपके पास जो भी प्रत्यय बनेगा, जो लास्ट में आपके पास साउंड बच रहा होगा स्वरों का ना, तो स्वरों को आपने अलग कर देना है। जैसे लास्ट में क्या साउंड बच रहा है? अक बन रहा है, लेख अक, लेखक। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अक आ जाएगा, ये क्या होगा आपका? प्रत्यय होगा। ठीक है, लिख प्लस अक क्या हो गया? लेखक हो गया। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से। लिख प्लस अक जो है वो क्या हो गया यहां पर? लेखक हो गया। ओके, आई बात समझ में कि क्या होता है आपके पास उपसर्ग प्रत्यय? ये सभी को पता है ना अब? ठीक है, चलिए इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। प्रत्यय की जो मेन चीज है, जो कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और आपका प्रत्यय का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहां पर हम सारे क्रिया शब्दों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और तदित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में ये जोड़े जाएंगे, तो वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल करेंगे कल।